इसका ये मतलब है कि अगर आपकी थ्योरी सेवेंटी मार्क्स की है हम्म तो उसमें आपको मिनिमम तेईस लाना है करेक्ट और अगर थ्योरी एटी मार्क्स की है है तो आपको आपको मार्क्स आप इसको 26 रख लो कम से कम से लाना है, तब आप पास हो प्रैक्टिकल इंटरनल में बेटा तीस में टेन और बीस में छ लेके आना है बट यहाँ तो आपको देखो थर्टी में ट्वेंटी एट आपको मिनिमम मिलेगा बीस में अठारह मिनिमम मिलेगा तो यहाँ पे आपको बड़ी करने की तो नीड नहीं है थ्योरी में तेईस नंबर सत्तर में और अस्सी में आपको छब्बीस नंबर लाना है थर्टी थ्री लाना है प्रैक्टिकल आपके बीस मार्क्स का होता है बेटा तो इसमें आपको अठारह से बीस तक तो टीचर दे ही देता है टेंथ में वैसे भी रिजल्ट अप जाता है तो अब थ्योरी में आप देखो ना थर्टीन टू फिफ्टीन लेके आओगे तो भी आप पास हो एटलीस्ट थर्टी थ्री आएगा तो इसीलिए क्लास टेंथ का पासिंग परसेंटेज इज ऑलवेज आप मच मच मोर देन ट्वेल्थ बट देखो अटेम्प्ट आप लेके आओ ये जो भी बच्चे हैं टेंथ के हैं ट्वेल्थ के हैं प्लीज टेक ऑल द अटेम्प्ट क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ठीक है इसके अलावा जिस सवाल के जितने स्टेप्स आते हैं स्टेप्स लिखते जाओ कीवर्ड्स लिख के आओ राइट द आंसर्स पॉइंट वाइज एंड प्लीज कीप कि आपका वर्ड लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा ना रहा अगर हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स का आंसर है तो थर्टी वर्ड्स लिख के आओगे तो टीचर आपको नंबर नहीं देगा ठीक तो है तो हंड्रेड फिफ्टी गए तो हंड्रेड फोर्टी अराउंड तो आप लिखोगे ना या हंड्रेड सिक्सटी चले जाओ थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा लेकिन एक्सट्रीमली लेस या एक्सट्रीमली मोर नहीं जाना है सो दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया जिसमें टेंथ के लिए है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर थर्टी थ्री परसेंट है और ट्वेल्थ में आपको इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है के 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 बच्चों बच्चों लिए को लेना चाहिए था इस कि की, टेंथ की दर का भी रखे क्योंकि हर साल बच्चों आते हैं में ज़्यादा उसके बावजूद ये चल रहा है विच इज नॉट गुड सो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पासिंग क्राइटेरिया विश चैनल